दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत, राणा दग्गू भाटी, जोनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी, मैक्स और रॉय 3 भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी, रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की 3 बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसितप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे।
बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सितमगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप डे जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय। दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों, इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत राणा, दग्गू भाटी, जोनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी, मैक्स और रॉय तीन भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी, रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की तीन बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली। लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उससे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है, सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय। दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों, इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत, राणा दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी, मैक्स और रॉय तीन भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी, रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की तीन बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है, और वे माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई, और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है, सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत, राणा दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी मैक्स और रोए तीन भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की तीन बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवारित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे।
बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मुख नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सितमगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय। दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत, राणा दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी मैक्स और रॉय तीन भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की तीन बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली। लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय। दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत, राणा दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी मैक्स और रॉय तीन भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की तीन बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवारित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय।
दोस्तों अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत, राणा दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी मैक्स और रॉय 3 भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की 3 बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवारित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे।
बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सितमगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय। दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत राणा, दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी मैक्स और रॉय तीन भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की तीन बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली। लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत, राणा दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी मैक्स और रॉय तीन भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की तीन बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय।
दोस्तों अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत राणा, दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी मैक्स और रॉय 3 भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की 3 बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे।
बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सितमगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय। दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत राणा, दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी, मैक्स और रॉय तीन भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी, रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की तीन बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली। लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय। दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत राणा, दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी मैक्स और रॉय तीन भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की तीन बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवारित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय।
दोस्तों अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत, राणा दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी मैक्स और रोए 3 भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की 3 बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवारित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे।
बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सितमगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद साम जी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत राणा, दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी, मैक्स और रॉय तीन भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी, रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की तीन बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली। लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवारित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत राणा, दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी, मैक्स और रॉय 3 भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी, रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की 3 बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवारित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय।
दोस्तों अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत, राणा दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी मैक्स और रोए 3 भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की 3 बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवारित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे।
बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सितमगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप डे जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय। दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत राणा, दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी, मैक्स और रॉय तीन भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी, रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की तीन बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली। लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है, सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय। दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत, राणा दग्गू भाटी, जोनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी, मैक्स और रॉय तीन भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी, रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की तीन बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसितप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत, राणा दग्गू भाटी, जोनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी मैक्स और रॉय 3 भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की 3 बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसितप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे।
बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सितमगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप डे जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय। दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत राणा, दग्गू भाटी, जोनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी, मैक्स और रॉय तीन भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी, रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की तीन बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली। लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है, सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय। दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत, राणा दग्गू भाटी, जोनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी, मैक्स और रॉय 3 भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी, रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की 3 बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है, सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत, राणा दग्गू भाटी, जोनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी, मैक्स और रॉय 3 भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी, रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की 3 बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे।
बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सितमगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय। दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों, इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत राणा, दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी, मैक्स और रॉय तीन भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी, रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की तीन बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली। लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वह माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है, सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हाउसफुल 4 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एक्शन मूवी हाउसफुल 4, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आज भी दोस्तों, इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों फराद सामजी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 33% तक फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेंगड़े, रंजीत, राणा दग्गू भाटी, जॉनी लीवर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पेवा, शरद केलकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 75 करोड़ के आसपास का, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 280 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 280 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, जो 1419 से लेकर 2019 तक 600 साल की अवधि तक फैली हुई है। हैरी मैक्स और रॉय तीन भाई है, ये लंदन में रहते हैं। हैरी एक नाई को पिछले युग की बार बार विचित्र झलकियाँ मिलती रहती है। उसके भुलक्कड़ स्वभाव के कारण वह डॉन माइकल का 5 मिलियन पाउंड का बैग खो देता है, जिसका गुर्गो उनसे पैसे वापस करने की मांग करता है। इसे पूरा करने के लिए हैरी रॉय और मैक्स ने अमीर व्यवसायी मनराज ठकराल की तीन बेटियां पूजा, नेहा और कीर्ति से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही तीनों तिकड़ी में प्यार हो जाता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जल्दी परिस्थितियों ऐसी हो गई कि शादी सीतामगढ़ में होगी। वहां से सभी अपने होटल के बेलबॉय आखिरी पास्ता से मिलते हैं, जो उन्हें 1419 में 600 साल पहले के पुनर्जन्म वालों लोगों के रूप में पहचानता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी चमक का पास्ता के दावों से कोई संबंध है और वे माधवगढ़ में उसे अतीत के बारे में जानता है। 1419 में माधवगढ़ के राजकुमार बाला को उनके पिता महाराज परिसिक्तप ने राजा बनाने के लिए मारने की कोशिश करने के कारण निवासित कर दिया था। उनका नौकर पहले पास्ता उन्हें सीतामगढ़ तब एक राज्य ले गया, जिससे राजा सूर्य सिंह राणा अपनी बेटियों के लिए दूल्हा चाहते थे। बाला ने महाराजा बनने के लिए सबसे बड़ी मधु से शादी करने की योजना बनाई और उसकी मुलाकात एक कार्मिक नृत्य शिक्षक बांगड़ू से हुई, जो दूसरी बेटी माला को डेट कर रहा है। सबसे छोटी मीना अपने बहादुर अंगरक्षक धर्मपुत्र से प्यार करती है। बाला उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है और वे उसे और मधु को एक करवाते हैं। योजना तब काम करती है जब सूर्य अपनी शादियों की घोषणा करता है, लेकिन उसका भतीजा सूर्यबान जो सिंहासन चाहता है सीतामगढ़ के दुश्मन कबीले के नेता को मार देता है और इसके लिए जोड़ों को तैयार करता है। नेता का भाई गामा बदला लेने के लिए लड़का है। बाला को एहसास होता है कि वे मधु से सच्चा प्यार करता है। शादी का मंडप ढह जाता है और जोड़े तथा गाम की मौत हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय।